तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। काबुल में रहते थे, मुजाहिद आ गए, मुजाहिद के बाद तालिबान आ गए, फिर हालात उसी टाइम खराब हो गए। रॉकेट हमारे ही इसी एरिया में गिरते थे, इस वजह करके रहना मुश्किल हो गया। पहली बार 1989 को आया हूँ। वो बुरका पा के निकलते थे, ऐसे नहीं निकल सकते थे, बुरी हालत थी। और फिर जो टपक रहे थे यहाँ वीज़े के लिए, इसके लिए नागरिकता मिल जाए तो वीज़े से ख़त्म हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। बड़ी देर पई नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज वाला, ग्वाल वाले के किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 की चाहे जितने भी आलोचना हो, इसके हर तथ्यों को, हर पहलू को भले ही जांचा परखा जाए, लेकिन इसका एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू इंसानियत का भी है। पड़ोसी देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, दशकों तक वहाँ रहे अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हों, सिख हों या दूसरे धर्म के लोग हों, उन्हें धार्मिक आज़ादी नहीं मिली, उनके साथ अत्याचार हुआ और इसीलिए वो हिंदुस्तान चले आए। और आज इसीलिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की तरफ वो नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि शायद ये कानून अगर पास हो जाए तो उन्हें इस देश में आज़ादी से रहने का अधिकार मिल जाए। 81 साल के रामनाथ कपूर और उनकी पत्नी राम मूर्ति कपूर दिल्ली के सीआर पार्क में रह रहे हैं। कपूर परिवार कभी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खुशहाल जिंदगी गुजर बसर करता था। साल 1989 में तालिबान की बर्बरता ने उन्हें परिवार के साथ पलायन पर मजबूर किया। शुरुआत के वर्षों में उनके पास वैध वीजा था, लेकिन अब वो अवैध प्रवासी की तरह रह रहे हैं। वहाँ हालात बहुत खराब हो गए, रॉकेट गिरते थे, इस वजह करके रहना मुश्किल हो गया। मैंने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली के साथ इधर आ गया। पहली बार तो 3 महीने का वीज़ा मिला था, पहले 3-3 महीने में एक्सटेंड होता था, फिर 6 महीने में एक्सटेंड होता था, फिर 2 साल का हो गया, फिर अब 5 साल का हुआ है, मेरे को नहीं मिला 5 साल का। मैं अब बिना वीज़े के रह रहा हूँ। उधर तो बुरी हालत थी ना, रॉकेट गिरते थे, बाहर निकला नहीं जाता था घर से, औरतें नहीं निकलती थी, बच्चे वो बुरका पा के निकलते थे, ऐसे नहीं निकल सकते थे, बुरी हालत थी। और फिर निकलना पड़ा। तालिबान और मुजाहिदीन का डर भी था? डर भी था, रॉकेट और मोहम्मदम में के तबीयत अफगानिस्तान और दश्तम अफगान बूढ़े असलन आले शिकस्त थे। पिछले 3 दशकों से रामनाथ कपूर और उनकी पत्नी ने जिन हालात का सामना किया है, जो जख्म उन्हें मिले हैं, नागरिकता बिल में उन्हें उसका स्थायी इलाज नजर आता है। बड़ी देर पई नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज वाला, ग्वाल वाले के किसे पूछे कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर पई रामनाथ कपूर की तरह ही सुरेश खन्ना भी काबुल छोड़कर 1991 में हिंदुस्तान आ बसे। काबुल में ड्राई फ्रूट का कारोबार था इनका, लेकिन तालिबान का कहर ऐसा बरपा कि सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। काबुल में दहशत के पल याद करके सुरेश खन्ना आज भी सहम उठते हैं। अच्छी जिंदगी थी, अपना कार था, गाड़ी थी, बिजनेस थी, फार्म हाउस थे, बाग थे। हालात कैसे बिगड़े? हालात तो धीरे धीरे, जब रेशिया निकलिया रूस, उसके बाद हालात ख़राब होती गई। डॉक्टर नजीब तक भी हालात ठीक थे, फिर बाद में तालिबान आ गए, हालात उसी टाइम ख़राब हो गई। वहाँ की तस्वीरें याद आती हैं कि वो कौन सा मंजर होता था जब हालात ख़राब हुए थे? रात को तस्वीर नज़र में आती है, हर रात को आती है, सपने में आती है, वो तो भूलने वाली नहीं। सरकार का कहना है कि दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक अमेंडमेंट जो है, उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन अल्पसंख्यकों को होगा जिन्हें धार्मिक आज़ादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश
जैसे देशों में नहीं है। 90 के दशक में अफगानिस्तान से बहुत सारे सिख दिल्ली आकर बसे थे, दिल्ली के तिलक नगर, और इस समय दक्षिण दिल्ली का ये जीके जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर भी आकर के बहुत, इस गुरुद्वारे से अफगानी सिखों का इतना लगाव है कि इसे अफगानी गुरुद्वारा भी कहा जाता है। और ये तमाम सारे जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो परिवार हैं जो 90 के दशक में अपना सब कुछ अफगानिस्तान में छोड़कर यहाँ आए थे। नब्बे के दशक में तालिबान का शासन स्थापित होने से पहले अफगानिस्तान में हिंदू और सिख आबादी बड़े पैमाने पर काबुल, जलालाबाद, गजनी, कंधार, लोगार, कुंदुज, पारवन और हेलमंद प्रांत में रहती थी। लेकिन अनुमान के मुताबिक उत्पीड़न के बाद तकरीबन 90% हिंदू और सिख अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। अफगानिस्तान को आप समझे कि जैसे इस्तांबुल किसी ज़माने में होता था, जैसे ईरान किसी ज़माने में होता था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे मौलवियों का राज आया या कट्टरपंथियों का राज आया, दूसरे धर्मों के लोगों को मारा गया, उनके धर्म स्थानों को ख़त्म किया गया। ये लोग अपनी जान माल और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वहाँ से पलायन किए। अफगानिस्तान में अभी कितने सिख बचे हैं इसकी सही जानकारी तो मौजूद नहीं, लेकिन अनुमान के मुताबिक वहाँ अभी 250 सिख परिवार हैं और उनकी कुल आबादी सिर्फ 1300 के आसपास बची है, जबकि 1980 के दशक में अफगान सिखों की तादाद करीब 2.25 लाख थी। ये आंकड़े ही तालिबान के उत्पीड़न को बयां करने के लिए काफी है, लेकिन दिल्ली के अफगानी गुरुद्वारे में बैठे हर एक अफगानी सिख की कहानी ऐसी है कि हर संवेदनशील व्यक्ति परेशान हो जाए। हमारा अपना जान माल को संभालना, अपने धर्म को संभालना सबसे बड़ी चुनौती थी, और सब लोगों ने यही डिसीजन ले लिया कि हमने वहाँ से पलायन करना जरूरी समझा और वहाँ से निकल के हम इंडिया में आ गए। तो उस टाइम इतना हो गया था कि हर गली गली में मर्डर हो गए थे, और हिंदू सिखों को तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं देख रहे थे। मुसा जी कहते थे कि आप हमारा ये शहर छोड़ के चले जाओ, अपने शहर में चले जाओ, आपका तो इंडिया है, आप इंडिया में रहते हो, आप इंडिया के हो तो इंडिया में रहो, आप यहाँ क्यों रहते हो। तो शुरू से वहीं रहते थे, पहले काबुल में रहे, वहीं से पढ़ के फिर इधर आ गए, फिर मैं पढ़ने आ गया, मेरा परिवार सारा वहीं रह गया। हमारा सारे परिवार बड़ा परेशान ही रहे, काफ़ी उनका लूटपाट भी हुई, उनको मारा भी गया कई जगह पे, आखिरकार उनको सबको छोड़ के यहाँ आना पड़ा, हम सब लोग फिर यहाँ आ गए, यहाँ कर्म सेट हुआ। 1980 में काबुल से दिल्ली आए गजेंद्र सिंह खुराना आज अफगानिस्तान हिंदू सिख वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, और वहाँ से आए हिंदू और सिखों को हक दिलाने के लिए 2001 से आवाज उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर नागरिकता बिल इन सब के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। ऐसे अभी उनको उम्मीद बहुत बहुत बड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि पहले यहाँ रुलते खुलते कोई पूछता नहीं था, उनको नागरिकता है नहीं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती थी। यहाँ पे नागरिकता मिलने से उनको हर फैसिलिटी, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, और वोटिंग राइट मिलेगा, प्रॉपर्टी बिजनेस का वो होगा, अकाउंट्स खोल सकेंगे, जो उन्होंने प्रोविजन लाए। अफगानिस्तान से भाग कर आए हिंदू समुदाय के मदन लाल अरोड़ा की भी अपनी दास्तां है। मदन लाल अरोड़ा याद करते हैं कि कैसे अफगानिस्तान में उनके लिए जिंदगी दोयम दर्जे की थी। रशिया जब गया, रशिया के बाद जब ये सारे मुजाहिदीन आ गए, वो कट्टर मोहम्मदन वो हमारे हिंदुओं को, सरदारों को तो देखना ही नहीं चाहते थे, घरों में घुस जाते, पैसे ले जाते, सब कुछ दुकानों में घुस जाते, सब कुछ करते, तो इसलिए हमें मजबूर होना पड़ा, मजबूर होकर हम इधर आए, भागे, सब कुछ छोड़ के आ गए, घर भी, दुकानें भी, बिजनेस सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए। चलो इंडिया हमारा, इंडिया हमारा धर्म हुआ, हमें यहाँ जगह मिलेगी, आए हुए हैं, रह रहे हैं, पर वही है कि वीजे के हिसाब से रह रहे हैं। इन अफगानी हिंदू और सिखों के लिए अफगानिस्तान का अतीत तो नहीं मिटेगा, लेकिन नागरिकता बिल नए भविष्य के सपने जरूर दिखा रहा है। अभी इन्हें भारत में हासिल हर एक चीज उधार की है, लेकिन यह कानून बना तो उनके हिस्से का सब कुछ एक हक के तौर पर नसीब होगा।